जनपद में नदियों के जलस्तर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में पिछले 3 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जो कि किसानों के लिए अच्छा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति नदियों में स्नान करने से बचे, नदी को तैर करके पार करने का प्रयास ना करे और बारिश के समय वज्रपात होने का खतरा रहता है। इसलिए जब भी वर्षा हो घरों से बाहर ना निकले या आसपास पक्के मकान के नीचे चले जाएं, पेड़ के नीचे ना रुके। उन्होंने बताया कि वज्रपात से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है उनको राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता मुहैया करवाई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, ये अच्छी बात है, इससे खेती को अच्छा फायदा हो रहा है। परंतु मेरा अनुरोध है आम नागरिकों से कि वर्षा होने के कारण नदियों में पानी की मात्रा बढ़ गई है, अनावश्यक इस समय नदियों में स्नान करने से बचें, नदी को तैर करके पार करने का प्रयास न करें। इसके अतिरिक्त जब भी वर्षा होती है तो बिजली जरूर कड़कती है, वज्रपात होने का खतरा रहता है, तो जब भी वर्षा हो तो यथासंभव घरों से बाहर न निकलें या आसपास में कहीं पर भी शेडेड एरिया में कहीं पर भी पक्के मकान के नीचे रुक जाएं, पेड़ इत्यादि के नीचे कदापि न रुकें। सर, जो वज्रपात से घायल हो गया क्या सहायता दी जाएगी? वज्रपात से जो भी व्यक्ति मृत्यु हो रही है या कोई जनहानि पशु हानि होती है तो उसके संबंध में शासनादेश है और हम लोग तत्काल 1-2 दिन में उनको जो मदद है वो मुहैया करा देते हैं।